गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शक्ति गोहिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से विद्यार्थी गोधरा में परीक्षा देने आए थे, क्योंकि यहां उनके पहले से ही सेटिंग हो गई थी। देश भर में नीट की परीक्षा में करीब 24 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। गोहिल ने कहा कि मेरे हाथ में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एनवी पटेल का एक एफिडेविट है जो सेशन कोर्ट गोधरा में फाइल किया गया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए थे, क्योंकि यहां उनकी पहले से ही सेटिंग हो गई थी। उन्होंने कहा कि उन छात्रों से एडवांस में पैसे और ब्लैंक चेक लिए गए। साथ ही कहा गया कि नीट एप्लीकेशन भरते समय सेंटर के लिए जय जालाराम स्कूल गुजराती मीडियम का नाम लिखे। सेटिंग ये थी कि जब छात्र को एडमिशन मिल जाएगा तो ब्लैंक चेक में पैसे भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूर दूर राज्यों से परीक्षा देने ही इसलिए आए क्योंकि उनकी सेटिंग हो गई थी। इसके लिए 10-10 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। गोहिल ने कहा कि छात्रों से कहा गया था कि आपको जो उत्तर शत प्रतिशत आता है उसे ही भरो, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दो। मेरे हाथ में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक एफिडेविट है जो सेशन कोर्ट गोधरा में फाइल किया गया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए थे। उल्लेखनीय है कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम ने बृहस्पतिवार को उन तीन परीक्षार्थियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने गुजरात में गोधरा के निकट एक निजी स्कूल में हुई परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद के लिए एक आरोपी को पैसे दिए थे। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता तीनों परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के अलावा गोधरा सर्किट हाउस में स्थानीय जय जालाराम स्कूल के मालिक दीक्षित पटेल से भी पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई की टीम ने गत बुधवार को अपनी जांच के तहत गुजरात के खेड़ा और पंचमहल जिलों में दो निजी स्कूलों का दौरा किया था। गोधरा पुलिस ने 8 मई को तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वास के आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों पर 27 परीक्षार्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट यूजी परीक्षा पास कराने में मदद करने का आरोप है।